कहाँ क्वारंटाइन है आप? बरटिया स्कूल पे, हाई स्कूल बरटिया मझौली। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है आपको? हर चीज का दिक्कत है, ना सोने को बिस्तर है, ना लाइट है, ना खाना है। अभी कितना समय हो रहा है? होगा कम से कम 3 घंटे। कितना बज रहा है समय? पूरा कितना हो रहा है अभी? मोबाइल में देख के बताइए समय कितना हो रहा है। अपने मोबाइल में देखिए 9:40 हो रहा है। 9:40 हो रहा है तो अभी आप कहाँ घूम रहे हैं? स्कूल से कितना दूर पे आप घूम रहे हैं? करीब 2 किलोमीटर दूरी पे। 2 किलोमीटर दूरी पे कहाँ घूम रहे हैं? जब साधन नहीं है, प्रशासन वहाँ का बोल रहा है जाके घर से ले आइए अपना सामान। खाना पीना का क्या व्यवस्था है वहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। आज सोने के लिए बिछौना उछौना? वो तो बोल रहे हैं वहाँ के अधिकारी से घर से लेके अपना सोइए। वहाँ पे इंचार्ज कौन है अभी आपका? इंचार्ज का तो नाम नहीं पता। वहाँ पे कोई शिक्षक है? मास्टर तो। क्या नाम है उनका? सुधीर सर। क्या बोले हैं सुधीर सर? कुछ बात हुआ उनसे? उनसे यही बात हुआ, बोले से अपना घर से जाम कर लीजिए खाना के और हम नहीं देंगे, यही ना? और कुछ नहीं मालूम है? कब आए हैं आप? आज आए थे करीब 6 बजे। कितना आदमी है वहाँ पे? होंगे 25-30 लोग। 25-30 आदमी, सबको रूम में रखा गया है कि एक के साथ है? नहीं, सबको बोले हैं छत पे सो जाओ, आज कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, लाइट उठ का कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने का भी आपको कुछ व्यवस्था कुछ नहीं मिला हुआ? नहीं। कहाँ से आए हैं आप? मतलब कि बाहर से कहाँ से आए? बिहार से? बाहर से? हरियाणा से आए। क्या चीज से आए थे वहाँ से? वहाँ से तो ऐसे गाड़ी बुक करके आए। गाड़ी बुक करके आए। यहाँ घर कहाँ हुआ आपका? बरटिया। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। ठीक। अभी बोले हैं विनोद सर जी को, सर जी मुझे इंजेक्शन लेना, पैर में प्रॉब्लम है, तो कह रहा आप अपना खुद एडजस्टमेंट कीजिए। सर क्या करना है आप बता जाइए सर, हम क्या करें? यहाँ पे कोई मेडिकल टीम ही नहीं है। अच्छा, 15 दिन हो गया दवा लिए हुए, अभी आपको इंजेक्शन नहीं लगा? नहीं सर। कितना दिन से इंजेक्शन नहीं लगा आपको? सर ये हो गया कम से कम 15 दिन नहीं लगा। यहाँ पे कोई मेडिकल टीम नहीं? कोई मेडिकल टीम नहीं। आज और कल तक अगर सुविधा नहीं मिलेगा तो सब अपना अपना घर चला जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे कोई सुविधा कोई व्यवस्था नहीं है। 2 बजे खाना मिलता है, रात में 10 बजे खाना मिलता है, बीच में कुछ नहीं, ना लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, और ना सैनिटाइजर होता है, ना बाथरूम में पानी है, साबुन हाथ धोने के लिए कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना टूथ, ना ब्रश है, ना टूथपेस्ट है। हाँ, कनेक्शन जो किया है आपकी है कनेक्शन यहाँ पे? जी, घर से पंखा मंगवाए। अच्छा, अपना घर से तार मंगवाए। अच्छा, प्रेशर ला के। अच्छा, तब हम देखे कि लाइन कहाँ है, वहाँ से लाइन लेके वो अपना पंखा चलाए। पंखा चलाए? हाँ। बॉल उल भी लगाए? बॉल नहीं, अंधेरा में हम लोग आए। बॉल उल लगाए कि नहीं लगाए? हाँ, एक तो बॉल किन के लाए तो लगाए। अपना पैसा से? अपना पैसा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हम देवेंद्र भरत। दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत सर जी यही है कि हम लोग बनारस से साइकिल चला के आए हैं। अच्छा, अब गिये वहाँ वैशाली, चेक कराए, फिर चेक कराए, वहाँ से पैदल हम लोग यहाँ पर पहुँचे कल 7 बजे। हम लोग के भोजन पता है कुछ नहीं मिला है, हम लोग भूखे ही पड़े हुए हैं, कोई खाना वाना ना कुछ है। घर से खाना मंगाया है, अपना खाया है, बाल्टी थी सब अपना घर से मंगाया, हम लोग ये बैठे हुए अभी तक कुछ नहीं कर पाए। क्या नाम हुआ आपका? कंचन माथो। कहाँ से आए हैं आप? बनारस चौका घाट से। घर कहाँ हुआ आपका? और ये मझौली चौदह। कौन जगह है? मझौली चौदह। मझौली है? मझौली है। ठीक है।